तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। तो आज आप लोगों के लिए लाया हूं मैं रेनॉल्ट डस्टर। यहां पे दोस्तों लगभग 65,000 प्लस किलोमीटर का एक हॉनेस्ट ओनरशिप रिव्यू करने वाला हूं मैं रेनॉल्ट डस्टर का। और इसका ओनर आपको पता है दोस्तों कौन है? मैं ही हूँ भाई, मैं ही ये गाड़ी का ओनर हूँ। तो यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं ये गाड़ी के बारे में। यहाँ पे दोस्तों रेनॉल्ट डस्टर एक वैसी गाड़ी थी जो कि इंडिया में अच्छे खासे सेल्स नंबर डिजर्व करती थी, पर हम लोगों ने दोस्तों ये गाड़ी को ख़रीदा नहीं। और किधर ना किधर रेनॉल्ट कंपनी का भी थोड़ा बहुत गलती था ये गाड़ी से लेकर, जहाँ पे कंपनी ने टाइम के हिसाब से ये गाड़ी को अपना अपग्रेड नहीं किया और लोगों ने फिर ये गाड़ी को ख़रीदा नहीं। और उसके बाद दोस्तों 2021 में जाकर ये गाड़ी डिसकंटिन्यू हो गई इंडिया से। यहाँ पे दोस्तों बेहतरीन गाड़ी थी ये, और आज आप लोगों के लिए लाया हूँ मैं 2014 का रेनॉल्ट डस्टर पेट्रोल इंजन के साथ में, जो कि अराउंड 65,000 किलोमीटर चली हुई है। यहाँ पे दोस्तों रेनॉल्ट डस्टर का अगर मैं आपको बताऊँ तो दोस्तों ये RXL मॉडल है, और ये जो गाड़ी है दोस्तों 2014 का है, जो कि अराउंड 65,000 किलोमीटर चला हुआ है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार अच्छे से। तो ये देखो भाई, 65317 किलोमीटर ये गाड़ी चल चुकी है। और सबसे अमेजिंग बात मैं आपको ये गाड़ी का बताऊँ तो वो क्या है, जो कि आजकल की मॉडर्न गाड़ियों में भी नहीं आता है, जो कि रेनॉल्ट कंपनी ने हमें 2014 में ही दे दिया था, वो है दोस्तों ये गाड़ी के हाइड्रोलिक्स। यहाँ पर दोस्तों हमें हाइड्रोलिक्स स्ट्रक्स ये गाड़ी के फ्रंट बोनट में भी मिल जाता है। ये चीज़ दोस्तों हमें स्कॉर्पियो क्लासिक में मिलता है, बाकी ये गाड़ी हमें XUV 700, ये हाइड्रोलिक स्ट्रक्स दोस्तों हमें XUV 700, स्कॉर्पियो वैन, टाटा हैरियर, सफारी किसी में नहीं मिलता है। एक स्कॉर्पियो वैन और एक रेनॉल्ट डस्टर में हमें फ्रंट बोनट के लिए भी हाइड्रोलिक स्ट्रक्स मिल जाता है। बाकी दोस्तों ये गाड़ी का बोनट जो है अच्छा खासा हेवी है। यहाँ तक तो हाइड्रोलिक्स काम करते हैं, तो भाई आपको कुछ भी वजन फील नहीं होगा। जैसे ही आप यहाँ पे आओगे ना, तो भाई आप लोगों को पता चलेगा कि अच्छा खासा हेवी बोनट है इसका। बाकी एकदम इजी यूज़ हो जाता है भाई, इजी काम हो जाता है, हाइड्रोलिक्स संभाल लेते हैं ये भारी वजन को। बाकी दोस्तों इसी के साथ में ये पेट्रोल इंजन है, जो कि अराउंड 103 PS और 145 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। गजब का परफॉर्मेंस है भाई, इजी पिकअप ले लेता है। और दोस्तों ये 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में आती है। यहाँ पे दोस्तों एमरॉन की हमें बैटरी मिलती है, ये बैटरी दोस्तों मैं एक बार चेंज करा चुका हूँ। बाकी दोस्तों 2014 का मॉडल है, और अगर मैं माइलेज बताऊं तो आप लोग दोस्तों माइलेज पूछो ही नहीं। यहाँ पे कंपनी ARAI, जो कि गवर्नमेंट कंपनी है, वो क्लेम करती है अराउंड दोस्तों 13.45 किलोमीटर पर लीटर का, पर अगर आप रियल वर्ल्ड में चलाओगे ना तो आपको दोस्तों 9 से 11 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज मिल जाएगा सिटी में। और दोस्तों हाईवेज पे अराउंड 15 किलोमीटर पर लीटर तक का एवरेज ये गाड़ी दे देगी। यहाँ पे दोस्तों मैंने ही ट्राई और टेस्ट किया है। बाकी दोस्तों अगर मैं आपको ये गाड़ी के अंदर से बताऊं तो दोस्तों ये गाड़ी के मीटर कंसोल में जो है हमें 2 टैकोमीटर मिलता है और एक छोटा सा MID स्क्रीन मिल जाता है, आप डिजिटल स्क्रीन बोलो। ये दोस्तों RPM है, ये अपना स्पीड है, और यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे सेंसर्स है, जहाँ पे दोस्तों रिजर्व पेट्रोल लाइट आता है, बैटरी ऑप्शन है, माल फंक्शन है, हैंड ब्रेक का ऑप्शन है। और यहाँ पे दोस्तों ये तो भले मेरा फ्रंट व्हील ड्राइव मॉडल है, पर दोस्तों रेनॉल्ट डस्टर का 4 व्हील ड्राइव मॉडल भी आता था, तो इसमें दोस्तों हमें ये देखो 4 व्हील ड्राइव लॉक का भी एक वार्निंग साइन मिलता है, वो तो हाल फिलहाल दोस्तों इसमें जलेगा नहीं। बाकी दोस्तों रेनॉल्ट डस्टर का अच्छा बात ये है कि आप इसका इंटीरियर देखो दोस्तों, बेसिक सा इंटीरियर है, सॉफ्ट टच यहाँ पे हमें किधर भी नहीं मिलता है। यहाँ पे दोस्तों ये गाड़ी में सब जगह हमें हार्ड प्लास्टिक मिलता है, पर दोस्तों ये जो प्लास्टिक का क्वालिटी है जो रेनॉल्ट कंपनी ने ये डस्टर में यूज़ किया है वो बहुत ही अच्छा है दोस्तों। अच्छे क्वालिटी का हार्ड प्लास्टिक दोस्तों हमें यहाँ पे फील मिलता है, और ये गाड़ी का दोस्तों बिल्ड क्वालिटी भी बहुत ही अच्छा है। एक जो दोस्तों बेसिक सी चीज़ है जो बिल्ड क्वालिटी चेक करने में काम में आता है, वो दोस्तों दरवाजे का वेट। यहाँ पर दोस्तों आप लोग थर्ड आवाज़ सुनना है दरवाजे का, तो भाई बिल्ड क्वालिटी भी बहुत ही अच्छा है, और आप देख सकते हो कितना ठीक दरवाज़ा रेनॉल्ट कंपनी वालों ने ये गाड़ी में दे के रखा है। यहाँ पे दोस्तों अच्छे बिल्ड क्वालिटी के साथ में ये गाड़ी आ जाती है, और 2014 में ये गाड़ी मैंने ली है। बाकी दोस्तों मेरे हिसाब से रेनॉल्ट वालों ने डस्टर को जो है अराउंड 2009 या 2010 के आसपास लॉन्च किया था, फिर दोस्तों अराउंड 2014 या 15 ईयर से ही ये गाड़ी का ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट भी आता था, और अभी जाके 2021 में रेनॉल्ट वालों ने ये गाड़ी को डिसकंटिन्यू कर दिया है। बाकी दोस्तों ये है सनवाइज़र,
यहाँ पे कुछ मिलता नहीं है भैया हमें, आईना वीना। बाकी ये साइड में हमें एक मिरर मिल जाता है, और यहाँ से दोस्तों ये ऐसा खुल के इधर भी हो जाता है, और एक्सटेंड नहीं हो रहा है ये, बस यहाँ से ऐसा खुल के इधर हो जाता है, और इधर का भी अपना होता है, हाँ यहाँ का भी हो जाता है भाई, तो सही चीज़ है ये। बाकी दोस्तों ये इंटीरियर में हूँ, जिधर मैंने आपको बताया कि भाई हार्ड प्लास्टिक इंटीरियर है पूरे डस्टर में, पर दोस्तों प्लास्टिक का जो क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छा है, और बिल्ड क्वालिटी भी अच्छा है। जहाँ पे मैंने दरवाजे का वेट बताया, और थिकनेस भी दरवाजे का अच्छा खासा है, और फ्रंट बोनट का जो है उसका भी वेट अच्छा खासा है। हालांकि दोस्तों फ्रंट बोनट का वेट ज़्यादा है, तो हम कस्टमर्स को थोड़ा सा हेल्प देने के लिए, कंफर्ट देने के लिए कंपनी वालों ने हाइड्रोलिक्स दे के रखा है, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। बाकी दोस्तों एक और एक गजब की बात ये है कि ये गाड़ी का जो इंटीरियर का जो कम्फर्ट है, और जो सीटिंग स्पेस है ना दोस्तों, वो भी बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ पे दोस्तों डस्टर का बाकी ये सीट देख सकते हो, जहाँ पे हमें अंडर थाई सपोर्ट बहुत ही अच्छा मिलता है। आप लोग दोस्तों इजीली लॉन्ग जर्नी ये गाड़ी में कर सकते हो। हालांकि दोस्तों पेट्रोल इंजन है, जो कि मैंने आपको बताया 8 से 11 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज देता है। उधर ही दोस्तों डीजल इंजन जो है डस्टर का फ्रंट व्हील ड्राइव में, जो कि अराउंड 85 पीएस का पावर जनरेट करता है, वो दोस्तों अराउंड 19 से 21 का एवरेज दे देगा। पेट्रोल का इंजन पावरफुल अच्छा है, डस्टर का पेट्रोल में जो पावर बैंड है वो बहुत ही अच्छा है, पर एवरेज कम है। बाकी अगर आपको फन टू राइड कार चाहिए तो आप लोग डस्टर पेट्रोल भी ले सकते हो। बाकी दोस्तों ये गाड़ी का कंफर्ट भी अच्छा है, सिटिंग स्पेस जहाँ पे अंडर थाई सपोर्ट बहुत ही अच्छा मिलता है, और दोस्तों ये जो साइड कुशनिंग है वो भी बहुत ही अच्छा है, जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि एकदम गाड़ी आपको पकड़ के रखी है, जकड़ के रखी है, और कुछ हमें इतना तकलीफ नहीं होता है। बाकी दोस्तों आप लोग देख सकते हो साइड सपोर्ट और थाई सपोर्ट बहुत ही अच्छा है गाड़ी का। और ये दोस्तों ये जो पैटर्न है ना दोस्तों, ये हमें 2014 के टाइम की गाड़ियों में बहुत ही कम देखने मिलता था, और रेनॉल्ट वाले हमें ये पैटर्न का डोर हैंड ग्रिप हमें 2014 से दे रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों पावर विंडोज़ है, और ये विंडो लॉक अनलॉक है। यहाँ पे दोस्तों ये जो मेरे जो ORVM से दोस्तों, ये दोस्तों एडजस्टेबल है, जहाँ पे कंट्रोल यहाँ पे दिया हुआ है। तकलीफ ये होता है कि गाड़ी चलाने से पहले अगर आप सेट कर दोगे तो ठीक है, बाकी गाड़ी चलाते हुए अगर आप सेट करने की कोशिश करोगे तो आपको तकलीफ होगा, क्योंकि ये हैंड ब्रेक उसके ऊपर आ जाएगा, उसके बाद आपको ये कंट्रोल करने में तकलीफ होगा। बाकी दोस्तों अभी ये गाड़ी मैंने फुल पीछे करके रखा है, और सीट फुल पीछे करके रखा है, और आप लोग देख सकते हो ये जो मेरा रिक्लाइन एंगल है वो भी ठीक ठाक पीछे है। अभी अगर मैं आपको अपने गाड़ी का पीछे का स्पेस दिखाऊं, सीटिंग स्पेस दिखाऊं, डस्टर का जो कैबिन स्पेस है दोस्तों वो बहुत ही अच्छा है भाई, ये चीज़ मेरे को अच्छी लगती है। रुक जाना ठीक, तो यहाँ पे देखो भाई ये सीट मैंने फुल पीछे करके रखा है, और ये सीट का जो रिक्लाइन एंगल है वो भी फुल पीछे, उसके बाद भी आप देख सकते हो भाई कितना सारा स्पेस है, देखो भाई उसके बाद भी अच्छा खासा स्पेस है, तो भाई सिटिंग कंफर्ट बहुत ही ज़्यादा है ये गाड़ी में। और एक बार अगर मैं बिल्ड क्वालिटी बताऊं तो आप ये देख सकते हो अपना ए पिलर कितना ज़्यादा ठीक है। बाकी दोस्तों ये गाड़ी में देखो हमें एक ये लाइट मिल जाता है, यहाँ पे भी लाइट मिल जाता है, और आगे भी लाइट है, तो भाई लाइट ही लाइट है ये गाड़ी के कैबिन में। बहुत सारी गाड़ियों में तो सिर्फ हमें आगे लाइट मिलता है, पर ये गाड़ी के साइज़ के हिसाब से और लैंड के हिसाब से यहाँ पे हमें रेनॉल्ट वालों ने तीन तीन लाइट दिया है, तो भाई अगर पीछे वाले बंदों को कुछ खाना पीना है तो भाई ये दो लाइट ऑन करके कर सकते हो। और एज आ मैं यूट्यूबर हूँ तो भाई ये तीनों लाइट का बहुत ही काम आता है जब मैं कार के अंदर वीडियो शूट करता हूँ। बाकी दोस्तों ये गाड़ी का बूट स्पेस है, जहाँ पे भाई आप लोग थोड़ा इग्नोर करना, ये कवर है। अगर मैं साइड करके बताऊं तो ये दोस्तों गाड़ी का बूट स्पेस है, जहाँ पे हमें 455 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है, जो कि अच्छा खासा दोस्तों बूट स्पेस हो जाता है कैपेसिटी। यहाँ पे दोस्तों आराम से लगभग आपके 5 से 6 सूटकेस आ जाएंगे, अच्छा खासा दोस्तों बूट स्पेस है, जहाँ पे मैं अपने छोटे भाई को भी अंदर डालूंगा ना, इसको पता भी नहीं चलेगा भाई, अंदर आराम से इसको भर सकता हूँ मैं, डाल दूँ। और दोस्तों इतनी ज़्यादा स्पेस है ना गाड़ी में कि थोड़ा अगर मैं ये सब साइड अपना मॉडिफाई कराऊंगा ना, तो मैं रेनॉल्ट डस्टर के डिक्की में भी और 2 सीट्स लगा सकता हूँ, और ये गाड़ी को 5 सीटर से 7 सीटर में कन्वर्ट कर सकता हूँ। हालांकि दोस्तों वो इलीगल होएगा, और थोड़ा बहुत कंपनी ने साइड मॉडिफाई ये सब दिया है, तो ये सब भी मेरे को निकालना पड़ेगा। मेरा ये बोलने का मतलब है कि गाड़ी का बूट स्पेस इतना ज़्यादा है कि ईजिली इसे मैं 7 सीटर में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। बाकी दोस्तों ये भी हेवी है, जहाँ पर हमें पार्सल ट्रे मिल जाता है, और इसका भी थर्ड वॉइस अच्छा आता है। बाकी दोस्तों एक बार आप लोग लुक देख लेना रेनॉल्ट डस्टर का, जहाँ पे दोस्तों ये जो है मस्क्यूलर लगती है कार। और दोस्तों ये कार एसी है ना,
कि मतलब समझ जाओ इसका डिज़ाइन जो है इतना जल्दी कभी पुराना नहीं होगा। दोस्तों ये डस्टर का अपना 2010 के टाइम का डिज़ाइन है, और वैसे भी ये गाड़ी मेरी 2014 का है, तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो 7-8-9 साल लगभग ये गाड़ी को हो गए हैं। अभी भी दोस्तों ये जो गाड़ी है डिज़ाइन के मामले में मॉडर्न रखती है, करंट की जो सेल्टॉस क्रिएटा जैसी गाड़ियाँ हैं दोस्तों वो भी इसके सामने डिज़ाइन के मामले में फीकी लगती है। ये गाड़ी का दोस्तों डिज़ाइन मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों, मस्क्यूलर टाइप डिज़ाइन है जहाँ पे आप लोग देख सकते हो बहुत सारे दोस्तों हमें कर्व्स मिल जाते हैं। कंपनी वालों ने ये गाड़ी को एक ट्रू एसयूवी वाला डिज़ाइन दिया है, जहाँ पर दोस्तों क्रेटा भी एसयूवी है पर आपका डिज़ाइन उसको किधर से भी एसयूवी टाइप नहीं लगेगा। उधर ही दोस्तों रेनॉल्ट वालों ने बरोबर ये गाड़ी को एक एसयूवी वाला डिज़ाइन दिया है। इसी के साथ में दोस्तों ये गाड़ी का अप्रोच एंगल आप लोग देख सकते हो भाई बहुत ही गजब का है, ग्राउंड क्लियरेंस दोस्तों गजब का है दोस्तों 205 mm का है, जिधर ये गाड़ी किधर भी नहीं लड़ती है भाई। और डिपार्चर एंगल भी आप लोग देख सकते हो, ये दोस्तों एक ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शन में भी अवेलेबल था एक ट्रू ऑफ रोडिंग के लिए, और ट्रू ऑफ रोडिंग के हिसाब से कंपनी वालों ने ये गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस और अपार्चर और डिपार्चर एंगल को सेट किया था। बाकी दोस्तों ये जो एलॉयज है दोस्तों मैंने ये आफ्टर मार्केट लगाया है, और ये टायर्स भी आफ्टर मार्केट लगाया है, जिधर दोस्तों ये ट्रू ऑफ रोडिंग टायर्स मैंने लगा के रखे हैं। बाकी दोस्तों ये जो है डस्टर का हमारा फ्रंट से ऐसा कुछ लुक आता था शुरुआत का, जहाँ पे दोस्तों ये जो हेडलाइट्स है वो पुरानी है, हालांकि दोस्तों थोड़ा सा वो ये येलोइश हो गई है हेडलाइट, पर दोस्तों अगर आप न्यू हेडलाइट भी लगाओगे तो रेनॉल्ट वाले जो कंपनी फिटेड हेडलाइट्स देते थे गाड़ी का न्यू में भी दोस्तों इतना कुछ उसका अच्छा खासा ब्राइटनेस नहीं था। करंट की जो 2021 का जो डस्टर आता है उसमें जो हमें यहाँ पे एक रिफ्लेक्टर मिलता है, जो HUD मिलता है, उसका ब्राइटनेस जबरदस्त है। ये गाड़ी को दोस्तों मैं हल्का सा मॉडिफाई करके वो वाले हेडलाइट्स लगाऊंगा, उनका अच्छा है। बाकी 2014 से लेके अपना 16 तक का जो डस्टर था उनका हेडलाइट ब्राइटनेस इतना अच्छा कुछ नहीं था। तो भाई अभी आया हूँ मैं मेरे माफिया के अंदर डस्टर के अंदर, जहाँ पर दोस्तों डस्टर का मेरे को एक बात बहुत ही अच्छा लगता है कि ये गाड़ी एक एसयूवी होने के बाद भी दोस्तों ये गाड़ी का जो अपना बॉडी रोल है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, गाड़ी एकदम चिपक के चलती है, और गाड़ी का जो राइड एंड क्वालिटी है वो भी बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर दोस्तों मैंने आप लोगों को शायद पहले बताया है या नहीं, मेरे हिसाब से तो अपने सेकेंडरी चैनल जो मेरा कार जंक्शन है उस पर मैं अभी बता रहा हूँ, डस्टर का दोस्तों जो राइड एंड क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छा है, और सस्पेंशन की ट्यूनिंग कंपनी से ही अच्छे से होके आती है, जहाँ पर हमें इतना कुछ पॉट होल्स है वो पता भी नहीं चलते। यहाँ पे अभी मैं आपके सामने ही गाड़ी चला रहा हूँ, जहाँ पे दोस्तों बहुत सारी SUVs उस वक्त की 2014 के टाइम की और जो 2010-9 के आसपास बनी है उनमें दोस्तों बॉडी रोल बहुत ही होता था, पर रेनॉल्ट कंपनी ने उस वक्त भी बहुत ही अच्छी गाड़ी बनाई है, जहाँ पे दोस्तों मतलब कैसे बॉडी रोल बिल्कुल भी नहीं है ये गाड़ी में, हाई स्पीड में स्टेबल रहता है, राइड एंड क्वालिटी अच्छा है, इंटीरियर कम्फर्ट अच्छा है, सीट का कम्फर्ट अच्छा है, ओवरऑल दोस्तों प्रॉपर लॉन्ग टूरिंग कार है, और माइलेज तो मैंने आपको बताया पेट्रोल में 8 से 11 के बीच में देती है, सिटी में हाईवे पे आपको 15 तक दे देगा, आपके चलाने के ऊपर मैटर करता है। बाकी दोस्तों कंफर्ट के मामले में बहुत ही अच्छा है, जहां पे मैंने ये सीट को अगर फुल भी पीछे कर दूंगा ना उसके बाद भी दोस्तों एक 6 फुट तक का इंसान आराम से बैठ सकता है, उसको कुछ तकलीफ नहीं होगा। तो ठीक है भाइयों, आज का मेरा वीडियो इतना ही था, उम्मीद करता हूँ रेनॉल्ट डस्टर का ये 65,000 और अराउंड 8 ईयर्स का हॉनेस्ट ओनरशिप रिव्यू आप सभी को अच्छा लगा होगा। यहाँ पे दोस्तों मैंने सभी ही पैरामीटर्स कोशिश किया है यहाँ पे क्लियर करने के लिए, आप सभी लोगों के लिए कवर करने के लिए, और कोशिश किया है कि जो बड़े बड़े कार रिव्यूअर्स है उनके जैसे एक प्रोफेशनल रिव्यू वीडियो बनाने का। धीरे धीरे दोस्तों मैं भी इस फील्ड में आ रहा हूँ तो मेरे को और नॉलेज आएगा, आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी कार रिव्यूज़ की वीडियो मैं लाऊंगा। तो सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को, बहुत सारा कंटेंट हमारे चैनल पे अवेलेबल है। सो टेक केयर, जय हिंद, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, बाय बाय।